दोषी और अपराधी को जो है सजा दिलाई जाए। और उस आंकड़े को अगर देखें तो राज्य सरकार ने खुद स्वीकार की है कि बलात्कार और पॉस्को में जो सजा का दर है वो 25% से कम है। 1561 जो है सर पॉस्को और बलात्कार के मामले हुए सिर्फ एक साल के, और 2015 द्वारा सरकार द्वारा यही निर्देश दिया गया कि उपलब्धता के अनुसार वरीय महिला पुलिस अवर निरीक्षक को इस थाना के थाना प्रभारी के रूप में पदस्थापित किया जाएगा। साथ ही अन्य स्तर के पुलिस पदाधिकारी पुलिस कर्मी को पदस्थापित करने ये ध्यान रखा जाएगा कि इन थानों में महिला की संख्या अधिक है। जो है राज्य में जो महिला अपराध है, महिला अपराध में जो मुकदमे दर्ज होते हैं, और सरकार का काम सिर्फ मुकदमे दर्ज करना ही नहीं होता है, उसमें दोषी और अपराधी को जो है सजा दिलाई जाए। और उस आंकड़े को अगर देखें तो राज्य सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि बलात्कार और पॉस्को में जो सजा का दर है वो 25% से कम है। 1561 जो है सर पॉस्को और बलात्कार के मामले हुए सिर्फ एक साल के, और मात्र 25% लोगों को सजा हुई है। अब महिलाओं का जो सबसे मामला है अध्यक्ष महोदय की जो नजदीकी थाना है वो सूचना दर्ज करना, उनसे पूछताछ करना, वो सारी चीजें कि महिला फ्रेंडली हमारे थाने अभी तक नहीं बन पाए हैं अध्यक्ष महोदय। झारखंड राज्य में जो उत्तर सुन लीजिए 564 थाने हैं अध्यक्ष महोदय, तो मात्र 187 में मान्य सर तिहाई से कम है। तो सरकार महिला कैसे ज्यादा लोगों को सजा मिले, और कम से माननीय मंत्री जी थाने में एक महिला दरोगा की गारंटी, माननीय मंत्री जी सरकार जवाब दे, माननीय मंत्री जी कौन जवाब दे रहे हैं, विनोद सिंह के कष्ट, माननीय सदस्य क्या चाहते हैं बताइए, क्या चाहते हैं बताइए। प्रश्न कल चलने दीजिए। देखिए सबसे ज्यादा रंधे की शांत है, सबसे ज्यादा शांत रणधीर जी हैं। चलिए आप लोग आसन पर बैठिए। अध्यक्ष महोदय, हमारा बस यही सरकार से जवाब है कि दोषियों की सजा दिलाने हैं तो सरकार क्या विशेष उपाय कर रही है, और जितने थाने हैं राज्य में कम से कम एक महिला दरोगा की जो है उस पे गारंटी हो, इसके लिए क्या उपाय कर रही है? महोदय, माननीय सदस्य विनोद जी का जो प्रश्न किए हैं और अभी जो पूरा क्वेश्चन को पूछ रहे हैं उसमें उन्होंने कहा कि सभी जगह महिला थाना प्रभारी प्रस्तुत किया जाए, जैसे कि जवाब में पैरा 3 में लिखा हुआ है कि 2015 द्वारा सरकार द्वारा यही निर्देश दिया गया कि उपलब्धता के अनुसार वरीय महिला पुलिस अवर निरीक्षक को इस थाना के थाना प्रभारी के रूप में पदस्थापित किया जाएगा। साथ ही अन्य स्तर के पुलिस पदाधिकारी पुलिस कर्मी को पदस्थापित करने ये ध्यान रखा जाएगा कि इन थानों में महिला की संख्या अधिक है, और वर्तमान में महोदय जो आज भी पदस्थित है भी है, और जहाँ पर जरूरी है उसमें भी हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, यही नियमावली बनी है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पहला तो हमारा ये कहना था कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए वो क्या विशेष कार्य योजना बना रही है, मात्र 25% मामलों में सजा होती है। दूसरा, सरकार ने खुद सूचित किया कि 2015 ने निर्देश दिया था, आज है 23, 8 साल में भी जो है ये संख्या 30% से पास नहीं हुई है, तो महिला थाना प्रभारी की नियुक्ति कैसे होगी? जब उनकी नियुक्ति होगी तब ने, तो सवाल ये उठता है क्या सरकार महिला दरोगाओं की नियुक्तियों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान रखती है? वो आरक्षण का प्रावधान करेगी तभी महिला दरोगा आएंगे, महिला दरोगा आएंगे तब थानों में आप दे पाएंगे। तो अगर ये मात्र निर्देश रह जाएगा क्योंकि उनकी नियुक्तियाँ हो नहीं पा रही है, तो क्या दरोगा नियुक्ति में महिलाओं को आरक्षण? माननीय मंत्री जी, ऐसी नहीं है, जैसे हमारे पास जो संख्या है कि 1330 कांड दर्ज हुआ था, उसमें करीब करीब 315 कांड का अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया था, बाकी पर कार्रवाई की गई है।
और जो इनका जो मेन ये है कि सभी थाना में महिला पुलिस वहाँ पर रखा जाएगा कि नहीं जाएगा, उनका ये है। तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं आसन के माध्यम से कि हम लोगों ने अभी बहुत हद तक किए हैं, जो बचा कुचा है वहाँ से रिपोर्ट लाने के बाद अगर हम उपलब्ध होगा तो निश्चित तौर पर वहाँ पर किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, हो गया। एक बार आप सुन, हो गया। सरकार ने कहा निर्देश दिए हैं, लेकिन 8 साल में 30% थानों में भी नहीं है। है क्यों नहीं? क्योंकि महिला दरोगा है नहीं। महिला दरोगा क्यों होंगे जब दरोगा नियुक्ति में महिलाओं को आरक्षण देंगे? तभी तो आपके तो क्या महिला नियुक्ति में, दरोगा नियुक्ति में महिलाओं को आरक्षण देगी सरकार? तभी तो आप थाने में नियुक्त करेंगे उन्हें। ऐसे कोई महिला मैंने आरक्षण करके उसको ले जाने का ऐसा प्रावधान नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर मान्य सदस्य लोगों आएंगे उसको लिया जाएगा।